गुड मॉर्निंग मीशू। गुड मॉर्निंग। हो गए रेडी और मैंने वियर किया कुर्ता और ये इयर रिंग्स लिए और ये है जी। हम लोग रेडी हो गए हैं, अब बस निकलते हैं। यहाँ से हाईवे भी दिख रहा है, यहाँ से हाईवे भी दिख रहा है हमारे पास। इसी पीछे ही पार्किंग है और देखो यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं। तो फिर आगे चलो, चलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। पीछे डिक्की में रख देना, पीछे ऑन कर दो गाड़ी, चालू करो, यही बात। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलो चलते हैं हर हर महादेव और देखने के लिए जो द्वार जो स्टैचू बनी है शिव जी की, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं। और ये हमने बाय बाय कर दिया अपने होटल को, बस नाइट स्टे की थी हमने यहाँ पे, नहा धो के अब सब निकल गए हैं। तो लोग चलते हैं और एग्जैक्ट 8 बज गए हैं, सोचा था हमने 6 बजे निकलेंगे। और नींद सुबह कितनी खतरनाक आ रही, तुम तो बार बार सो रहे थे। हाँ मैं तो एक बार उठी 3:30 बजे ना, शिव को दूध बनाया था मैंने। हाँ, जब मैंने देखा था जब 4 बज रहे थे। हाँ, तो उससे पहले मैंने बोतल धोई थी ना, क्योंकि वो अमूल कूल दूध की हो रही थी ना। yes. तो गर्म पानी से मैंने अच्छे से उसको धोया, फिर मतलब फिर पानी गर्म किया, फिर ज्यादा गर्म हो गया दूध, फिर मैंने उसको ठंडा किया। तो ऐसे देखते देखते 4 बज गए थे, मैंने फिर उसको 4 बजे पिला दिया था। और ये दोनों बच्चे मेरे पेट में घुसे हुए थे, ऐसे सोए थे मतलब दोनों के दोनों। तुम्हारे उधर खाली जगह पड़ी थी yeah. पर ये उधर सो ही नहीं रहे। हाँ, नमोरे सो रहा है। अब ये को दे दिन में कितना अच्छा लग रहा है ना, ये तो समझ नहीं आता, दूर तक की भी चीज दिखती है ना। हाँ। मैं हाँ। तो सपना था, सपना नहीं था बेटा, तुम दोनों के दोनों में बिल्कुल मेरे, मुझे एक कोने में घुसा रखा है, दोनों के दोनों बिल्कुल मेरे से चिपक के सो रहे हैं। हाँ, तुम्हारे उस साइड तो इतनी जगह हो रही है, मैं क्या नहीं पता नहीं। और ये सो भी पता है आड़े हो रहे हैं, दोनों के सर मेरे पेट पे आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से हो रहे हैं। और दोनों के पैर उधर, शिव ने तो पैर मोरे इसके ऊपर रख रखे थे पर मैंने उठाया नहीं, इसलिए क्योंकि उनका उठ जाएंगे, फिर सो गो वापस जैसे मर्जी सो। इसी हाईवे पे आज के दिन हम गुजरात जा रहे थे और आज ही के दिन हम अपने घर जा रहे हैं। शिव का रहा बनाना, देखो ये हम लोग यहीं पे स्टैचू दिख रही है आपको बैक साइड से, हम यहीं पे जा रहे हैं। अब ये रोड कट ले लेगा अभी यहाँ से लेफ्ट, और जब हम उधर से आ रहे थे तब मैंने आपको यही सेम हाईवे पे उस साइड से राइट हैंड से दिखाया था आपको स्टैचू, तब वो फ्रंट में दिख रही थी, अभी बैक में दिख रही है। हाँ ये देखो, the first exit is stay on 120 feet road. Exit the roundabout onto 120 feet road. Continue on 120 feet road for 1 kilometer. अब पूरा याद आ गया, यहाँ से पूरा याद आ गया, चलाई करी थी। अब कैसा है ना, देखो उस टाइम पे ये सारा पेंट कितना अच्छा हो रखा था, है ना, एकदम सुंदर सा। और वो श्री कृष्ण की मूर्ति भी दिखेगी, है ना, वहाँ मैंने वो जो पार्किंग के वहाँ पे फोटो खींची थी। पुरानी यादें ताजा हो रही है, हम लोग पहले भी आ चुके हैं जब ये बन रहा था। मॉरिस छोटा था ना, मॉरिस छोटा था, मॉरिस 2.5 साल का था, 2.5-3 साल का, जब ये वही कृष्ण भगवान का कलर रखा था। मैं होगा तो देखना आपको अपनी इसी वीडियो में साइड में फोटो दे दूंगी, जब हम पहले आए थे तब इनका कलर हो रखा था नीले रंग का। अब ये इस तरीके से करते हैं, पहले थोड़ी छोटी हमने उनको ले लिया है, श्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अब 9 बजे हम खुलते हैं, अभी 8:30 हो रहे हैं और ये वाला मंदिर भी ये 10 बजे, मैं आपको बता रही हूँ अभी, कभी आप आगे 10 बजे बताइए जाने की, गाड़ी पार्किंग करवा दी है और हम चलते हैं।
से ये मार्केटिंग एरिया से जाता है। फ्रेंड्स हमने कार्ड भैया कर लिए हैं, ये जाएंगे हम मंदिर में दर्शन कराने के लिए, ठीक है। और आप मोबाइल वगैरह वहाँ पे सब जमा हो जाता है, कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते, तो हम लोग वहीं पे एंट्री पे जमा कर देंगे और बाद में आपको बताएंगे। बता दीजिए भैया। नहीं अंदर अपन चलेंगी ना, उसके अंदर अपन पूरा मंदिर देखेंगे, उसके अंदर ध्वजा चक बैठक ठाकुर जी का फूल का पान का सभी आएगा। हमारे इसमें वीडियो उतारना फोटो खींचना मना है, प्रभु जी का ठीक है ठीक है। और हो गए दर्शन और फिर उसके बाद चलते हैं वहीं पे शिवजी की देखने के लिए। नहीं है ना गाड़ी में चलो चलते है। हमने टिकट ले लिया है, पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज किया है ये, हमने बच्चे की वजह से ले लिया है, वरना पैदल भी आप जा सकते हो यहाँ से आराम से, पैदल जाने का भी अपना मजा है, लेकिन हम बच्चे की वजह से टिकट ले लेते हैं। गाड़ी गाड़ी चीटी ठीक है, गाड़ी चीटी ओके। चलते हैं चलो फीट वाला टिकट लिया है, तो हम लोग यहाँ से फीट स्पर्श करने जा रहे हैं। और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, हरियाली थी ना। चलो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अब हम, ये देखिए हमारी सारा पीछे लेकिन अगर आपने गाड़ी नहीं करी है तो आपको पूरा यहाँ से वहाँ तक पैदल ही आना होगा। चलो जय भोलेनाथ, जय गले सिंह, जय भोलेनाथ। बताओ तुम सिर्फ पैर के अंगूठे तक ही आ रहे हो। लो खड़े रहो, ऐसे 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 राइट करके वैसे। वो
पास। हाँ देखो फ्रेंड यहाँ से पूरा नंदीद्वार बहुत सुंदर बनाया है, बहुत जगह जगह सब नंदी नंदी यहाँ से भी दिख रही है। ये नंदी है, ये देखो शिवलिंग है। यहाँ से घंटा देखिए आप, एक घंटा शिव जी का, ये छोटी मूर्ति है। और ये देखो पार्क है, बहुत सारे स्लिप लाइन वगैरह झूले वगैरह। क्यों हम थक गया हूँ, अब सीधे दिल्ली चलो। सीधे दिल्ली चलें, अब थक गया है इसीलिए तो देख लिया ना आपने मेरे फ्रेंड्स। और ये वहाँ से यहाँ से बैक साइड में तो आपको दिख रही है, लेकिन जितना आप पास में चले जाओगे ना उतना ही आपको नहीं दिखेगी ये। मतलब वो छोटी छोटी प्रतिमा बना रखी है। भैया गाड़ी गाड़ी तो भवक गई है, चलो फॉलो। मिसो पीछे बैठेगा अब। सो अब हम निकल गए अपने दिल्ली के लिए, और शिवू मेरे यहाँ पे, शिवू को नींद आ रही है क्योंकि सुबह 7 बजे उठ गया था शिवू भी इसीलिए। और मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगी कि ये जो श्रीनारायण दर्शन है, यहाँ पर श्रीनाथ जी दर्शन करने हम गए थे, दर्शन बहुत अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे कि आपको VIP दर्शन कराएंगे और आपको बोलेंगे अंदर पर्ची कटती है तो आप मतलब चलिए हम आपको अलग से दर्शन कराएंगे। तो हमने भी ले ली थी, हमने बच्चों के वजह से ले ली थी कि जल्दी मतलब दर्शन हो जाएंगे फिर हम जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए निकलना था। और वो लोग बोल रहे थे मुश्किल से 15 मिनट के लिए ही द्वार खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो आप, मैं बोलूँगी आप ना ही लो, क्योंकि वो सेम ही लाइन होती है, सेम ही सब कुछ होता है। हमें लगा था अलग से मतलब दर्शन कराएंगे वो लोग मतलब अलग से, पर वो आप ना ही लो, हमने गलती करी, हमें पता नहीं था। लेकिन हम वापस देख रहे हैं कि वो तो सेम ही लाइन में खड़ा कराए आपको, और बोलते हैं आपको कि वो पर्ची मतलब अंदर पर्ची कटेगी आपको इतने की पैसे, अंदर कोई पर्ची वगैरह नहीं कटती, सबको सेम ही जाने दिया जाता है। इसलिए जो गलती हमने की है वो आप ना करें, आप सेम ही लाइन में जाएं। वो लोग बाहर बोलते हैं हमारे 450 रुपये ऐसे ही लग गए है ना, कोई वो नहीं था, 450 रुपये ऐसे लग गए। मतलब इससे अच्छा है कि हम किसी को दे देते वो पैसे, मतलब जो वहाँ पे बैठते, ऐसे तो हमने दिए थे एक दो को, लेकिन वो पैसे हमें खरे हैं थोड़े से ना, क्योंकि सेम ही लाइन में था ना बिल्कुल, इसीलिए कोई वो ही नहीं था, सब लोग सेम ही लाइन में थे, किसी का भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा था, वहाँ पर प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए हमने तो दूध चढ़ाया था, वो मतलब उनके प्रसाद में मिक्स हो जाएगा ऐसा है। बाकी आप VIP वगैरह दर्शन ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर, वो सब आपको उल्लू बनाने के लिए खड़े हैं। इसका चलान कटना चाहिए बोलो विशु, इसमें बराबर की हिस्सेदारी है बेटा, सारी तुम्हारी नहीं है। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो शिवू का एरोप्लेन और ये व्हाइट गाड़ी और ये ब्लू गाड़ी है, शिवू की है। हाँ ये व्हाइट और ब्लू, ये ग्रीन, ये शिवू की है, और रेड और ब्लैक और येलो भी है। ठीक है, हाफ हाफ लेंगे अपनी अपनी सारी। ठीक है ठीक है शिवू जी, है दे दो मिशु, दे दो शिव को भी समझा दो, मैंने समझा दिया, शिव समझ गया थोड़ा, भैया को भी। हाँ नहीं वो खोल नहीं सकता, वो सिर्फ देखेगा 1 2, वो देख रहा है कि ये क्या है। हाँ वो देख रहा है कि पापा ने दिलाई है, है ना। ले लिया है खाना खाने के लिए, और ये कुछ ढाबा है हमें मिला है यहाँ पे, और अब खाना खाएंगे। कितने गाड़ी भी रेस्ट ले लेगी, गाने निकल आए, मेरी स्किन खराब हो गई थोड़ी सी ना, इसके पानी में
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है? सो पहुंच गए हैं फ्रेंड्स नहीं बदरपुर बस अब यहाँ से आधा घंटा ही लगेगा हमको घर पहुंचने में इसीलिए है ना आधा घंटा ही लगेगा बस खाली जाम के ऊपर है। हाँ संगम विहार जाम ना हो बस टिकरी संगम विहार में जाम ना हो वहाँ तो हमेशा ही मिलता है दस तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब बस अब मुँह हाथ वगैरह धो के अब सोएंगे और बच्चों को बनाऊँगी मैं मैगी तो मैंने जीत को भेजा दुकान पे क्योंकि दुकान भी बंद हो जाएंगी वरना दूध मिल जाए और मैगी तो इन बच्चों को खिलाएंगे हम लोग तो कुछ खाएंगे नहीं मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने का सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के बाय बाय गुड नाइट